टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय वाल्के हैप्पी होम्स। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार और पूर्वी इनिरो विधायक दिलबाग सिंह के घरों पर तलाशी अभियान चलाया। दिलबाग सिंह के ठिकानों से बड़ी मात्रा में अवैध चीजें बरामद हुई है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को इस कार्यक्रम को लेकर गाए गए स्वागत भजन के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के सुअवसर पर अयोध्या के साथ साथ पूरा देश राममय हो रहा है। मनीष सिसोदिया के जन्मदिन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक भावुक पोस्ट किया। मनीष सिसोदिया को बर्थडे विश करते हुए सीएम केजरीवाल ने लिखा, ये दोस्ती बहुत पुरानी है, हमारा स्नेह और भरोसा बहुत मजबूत है, जनता के लिए काम करने का ये जुनून भी बहुत पुराना है, साजिश रचने वाले लाख कोशिश कर ले, ये भरोसा, ये स्नेह और ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। घरेलू शेयर बाजार में इस साल की शुरुआत से दिख रहा गिरावट का ट्रेंड थमता दिख रहा है। गुरुवार के कारोबार में लौटी हरियाली आज सप्ताह के अंतिम दिन भी बनी हुई है। शुक्रवार के कारोबार में दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी ने कारोबार की मजबूत शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सेवा और गुणवत्तापूर्ण गतिविधियों में उनके व्यापक योगदान ने हमारे देश को गहराई से समृद्ध किया है। एक मार्गदर्शक प्रकाश और प्रेरणा के स्रोत, शैक्षिक उन्नति की दिशा में उनके प्रयासों ने एक अमिट छाप छोड़ी है। इस खास दिन पर हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र मिले। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है, पुलिस ने जानकारी दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर जिले के चोटीगाम इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सुबह वहां इलाके की घेराबंदी की और तलाश अभियान शुरू किया। मध्य जापान में विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 92 हो गई है, जबकि लापता लोगों की संख्या 242 है। अधिकारियों का कहना है कि 72 घंटे से अधिक समय बाद लोगों को खोजने की आशा धूमिल होती जा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज से 3 दिवसीय डीजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी सम्मेलन में मौजूद होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा शुरू कर रहे हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को मणिपुर से मुंबई तक यात्रा का स्ट्रूप मैट जारी करते हुए यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया है। दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 14 समन जारी कर सकती है। अभी ईडी ने उन खबरों का फिर से खंडन किया है कि जल्द ही दिल्ली सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि आज पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में शीतलहर की संभावना है, तो वहीं यूपी बिहार के कुछ हिस्सों में घना कोहरा रहने की संभावना व्यक्त की गई है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने पुराने पेंशन योजना यानी ओपीएस को मंजूरी दे दी है। वैसे राज्य कर्मचारी जिनकी नौकरी का साल 2005 के बाद है, वो इस विकल्प को चुन सकते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले पुराने पेंशन की बहाली की मांग के साथ सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में राजनीतिक स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल नहीं है। उन्होंने बीजेपी के 400 से अधिक सीट जीतने संबंधी दावे को खारिज करते हुए कहा कि वे कई राज्यों में सत्ता से बाहर हैं। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रश्मि शुक्ला गुरुवार को महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई। राज्य के गृह विभाग ने इस आशय का आदेश जारी किया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अब्दुल सत्तार का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपने जन्मदिन के मौके पर आयोजित डांस शो में उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए कथित तौर पर पुलिस से लाठीचार्ज करने और उनके हड्डियां तोड़ने के लिए कहते सुने जा सकते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाद महाराष्ट्र में धार्मिक जगह पर विवाद शुरू हो गया है। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बयान, कल्याण की पहाड़ी पर मंदिर है या मस्जिद, के बाद बवाल बढ़ गया है। पहली बार मुस्लिम समाज ने सामने आकर सीएम के इस बयान को माहौल खराब करने वाला बताया। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने समर्थन करते हुए कहा कि सीएम ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर शिवसेना उद्धव गट के नेता संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर दोनों मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात कर ले और कह दे कि वे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, पूरा मामला यहीं खत्म हो जाएगा। दोनों सीएम वॉशिंग मशीन में जाएंगे और क्लीन होकर बाहर आ जाएंगे। जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम पर दिए गए अपने विवादित बयान के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम हमारे प्रभु है, मैंने कल कहा था भगवान राम मांसाहारी थे,
मुझे विवाद को बढ़ाना नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में कुछ पंक्तियां हैं, मैं कोई भी बात बिना अभ्यास के नहीं बोलता हूँ। ये अभ्यास की महत्व नहीं है, लोग भावना को महत्व देते हैं। अगर किसी का दिल दुखा हुआ है तो मैं माफी मांगता हूँ। टीम इंडिया ने केप टाउन टेस्ट में शानदार जीत दर्ज की है। उसने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। भारत को इस जीत का फायदा हुआ, वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गया है। टीम इंडिया ने पॉइंट्स टेबल में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड समेत सभी टीमों को पछाड़ दिया है। बिग बॉस के घर में एक बार फिर से बिग बॉस 17 में विडवी के एविक्शन हो गया। घर के नए कैप्टन अंकिता लोखंडे ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए घर से एक सदस्य को एलिमिनेट कर दिया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर ये लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।